नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फ्रेंड्स मैं आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगी जो कि हमारे अपराजिता हैं उनकी देखभाल इस सर्दियों में कैसे करें। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल पर नहीं हुआ तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जब मैं ऐसे वीडियो आप लोग के साथ मैं शेयर करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमारा अपराजिता का प्लांट है और इसमें देख सकते हैं इतनी ढेर सारी फलियाँ लगी हुई हैं क्योंकि जो पीरियड होता है इनका डोरमेंसी का पीरियड होता है, इस टाइम में इनमें बीज बनना शुरू हो जाते हैं, फ्लावरिंग होती रहती है, इक्का दुक्का फूल आते हैं बट ये भी ब्लूमिंग नहीं करते हैं, ये बस एक दो फ्लावर आते रहते हैं, उसमें साथ साथ में फलियां भी बनना शुरू हो जाती हैं। फ्रेंड्स मैं बता दूं जो विंटर सीजन होता है, डोरमेंसी पीरियड होता है, तो इस टाइम पे हम इनके साथ कोई छेड़छाड़ बिल्कुल भी ना करें तो ज़्यादा सही होगा। बहुत लोगों को मैंने देखा है इनमें भर भर के फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, इसे फूल लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं बता दूं फ्रेंड्स आप लोग ये गलती बिल्कुल मत करिएगा आप लोग कि इनको फर्टिलाइज़र दिए कटाई छटाई कर दे इसमें फूल लेने के लिए, क्योंकि जब कोई चीज़ रेस्ट पे रहता है जैसे कि अभी हम सोने पे लगे हुए हैं और आपको कोई ज़बरदस्ती खिला पिला रहा है, जगा रहा है, तो हम लोग क्या डिस्टर्ब हो जाएंगे या तो बीमार हो जाएंगे, ऐसा हो सकता है, तो इन चीज़ को बिल्कुल भी नहीं करिएगा। बट कुछ चीज़ें हैं हमें अपने फर्टिलाइज़र के साथ अपने इस प्लांट के साथ करना है, क्या करना है वो चीज़ें इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो फ्रेंड वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। ये हमारा अपराजिता का प्लांट है, अभी डोरमेंसी में है और देख सकते हैं इसमें मैंने कुछ सीड डाले हुए थे, इसमें सीड उगे हुए हैं तो इनको उगा तो सकते हैं बिल्कुल सीड से, और कुछ मैंने यहाँ पर वाइट वाले जो अपराजिता होते हैं उनके भी सीड डाले हैं, तो दो मिलकर हैं। यहाँ पे विंटर प्लांट के कुछ सीड हैं वो भी उगे हुए हैं, जिसमें अपराजिता फ्रेंड्स लगा हुआ होता है उस वो वाली मिट्टी ना बहुत ही ज़्यादा उसमें नाइट्रोजन हो जाता है, इससे क्या होता है कोई भी सीड वगैरह हम डालते हैं तो खुद ब खुद वो उगाते हैं, बहुत अच्छी मिट्टी बन जाती है। तो अगर आपके कोई सीड उग नहीं हो रहे हैं अपराजिता के जिसमें प्लांट लगे उसमें ज़रूर डालिएगा, उगाएंगे। तो मैं बता देती हूँ सबसे यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले जो आपके इसमें एक्स्ट्रा इस तरीके से बीज उगे हुए या पौधे हैं उनको ज़रूर आप हटा दें। इससे क्या होगा कि जो प्लांट हमारा होता है उनके साथ कोई और भी पौधे रहते हैं तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हाँ कुछ कोई और ग्रोथ कर रहा है उनके आसपास, तो उनको हटा देना ज़रूरी होता है। साथ साथ में हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इनकी गुड़ाई, मेन चीज़ गुड़ाई भी है, अगर आप गुड़ाई करेंगे तो टाइम टाइम इनको क्या, अगर हम गुड़ाई करेंगे तो इनको धूप मिलती रहेगी जिससे इनके जड़ों में ऑक्सीजन मिलेगी और पौधे भी हेल्दी रहेंगे। और इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं सीड बनते हैं तो इनको हैवी फीडर की ज़रूरत होती है, बट अभी बिल्कुल भी हमें कुछ नहीं देना है इनको, बस अगर आप हो सके तो इनको पानी दे दीजिए, या फिर इससे फंगस वगैरह का डर है तो आप इनको एक पाउडर इस तरीके से जो डाइकोडर्मा होता है ना, फंजीसाइड होता है, साथ साथ में जो सीड वगैरह बन रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाला है, तो एक चम्मच आप यहाँ पर डाइकोडर्मा दे के पानी में दे सकते हैं या फिर ऐसे गुड़ाई करके इनको दे सकते हैं, तो या मैं पानी में ऐड करके देने वाली हूँ ताकि जो हमारा अपराजिता है वो बिल्कुल भी हेल्दी रहे, और विंटर सीजन में वो डोरमेंसी में है तो अच्छे से वो अपना ये पीरियड ख़त्म करके आने वाले टाइम में अच्छे से ये ग्रोथ कर सके। तो यहाँ पे एक गिलास पानी में मैंने डाइकोडर्मा मिलाया हुआ है और इनको देना है, इससे क्या होगा हम जो जड़े में उनकी जो क्या कहते हैं अगर किसी फंगस का अटैक होता है उससे भी ये बचाएंगे, साथ साथ में आपके जड़ों में नमी बना के रखेंगे, रूट हेल्दी रहेंगे। तो आपको पता है कि पौधों के जो मेन वेस होता है वो जड़ी होती है, तो जड़ उनका अगर हेल्दी रहेगा तो प्लांट भी हेल्दी होने वाला है। तो यहाँ पे इनको हमें एक गिलास दे देना है, उसके पहले हमें प्लांट की करनी है गुड़ाई तब देना है। फ्रेंड्स आप इनसे स्प्रे भी कर सकते हो, वो डायरेक्ट मिट्टी में इनको दे सकते हैं, इससे क्या होगा आपका क्या कहते हैं प्लांट जैसे पत्तियों में भी फंगस लग जाते हैं, मिट्टी में भी लग जाते हैं, तो इन चीज़ का ध्यान रखना। तो इस तरीके से यहाँ पे घोल बना के रखा हुआ है, इनको हमें दे देना है। और फिर मिट्टी की गुड़ाई करने का मैं तरीका बता दूँ तो ज़्यादा नहीं, बस एक इंच की मिट्टी की गुड़ाई करनी है। अगर आपको फंगस वगैरह दिख रहा है, कुछ ऐसी रीजन दिख रहे हैं इसमें, तो आप गुड़ाई करके लगभग धूप में एक या दो दिन के लिए रख दें, जब लगे कि हाँ आपकी मिट्टी सूख गई है उसके बाद में आप इनमें फंजीसाइड पाउडर मिला के, जैसे कि डाइकोडर्मा है बहुत ही अच्छा ये फंजीसाइड है, एक इंसेक्टसाइड होता है, वो फर्टिलाइज़र भी इनको हम मान सकते हैं, जैसे कि फर्टिलाइज़र मैंने मना किया है बट ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, आप दे सकते हो। तो यहाँ पे गुड़ाई कर दी मैंने और इनको मैं धूप, जैसे कि अभी तो धूप हो रही है बट आने वाले टाइम में धूप बिल्कुल भी नहीं होनी है,
तो आप धूप दिखा दीजिएगा, पानी विशेष करके ध्यान से दीजिएगा, ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर जहाँ ज़्यादा पानी हो आपके पौधे मरने लगेंगे, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मेरा जो पौधा है, इनको धूप लगभग पूरे दिन की मिल जाती है, अभी विंटर में जब तक धूप रहती है तब तक ही मिल जाती है। आप ये फंजीसाइड को पूरे चारों तरफ से गमले में दे सकते हैं या फिर एक जगह रख कर भी दे सकते हैं, और इनका स्प्रे भी करके कर सकते हैं जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो ये थे कुछ टिप्स फ्रेंड्स, जिनको आप इस पर जरूर फॉलो कर। धूप मेन होता है, पानी भी देख कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स अभी इसमें सीड बन रहे हैं तो पानी जल्दी सूख जाता है। तो एक बार डाल देंगे ना, दो तीन दिन फिर पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और धूप में आप अपने प्लांट को जरूर रखिएगा, तब देखिएगा ये अच्छे से आपके प्लांट ग्रोथ करेंगे। सर्दियों में भी इस तरीके से फ्लावरिंग करेंगे, छोटी छोटी कलियाँ मतलब आ रही हैं, इस तरीके से देख सकते हो। अब जिस तरीके से पहले होती थी ना, उस तरीके से नहीं होने वाली, बट आती हैं छोटे छोटे। और एक बात फ्रेंड्स, और इस तरीके से फूल आ रहे हैं उसमें एक्सपेंड हो जा रहे हैं, तो उनको आप हटा दें ताकि और इसमें फलियां ना बने। और अगर पौधे आपके गिरे जा रहे हैं तो किसी चीज़ का सपोर्ट देके आप इनको ज़रूर अपने प्लांट को बचाएं। तो फ्रेंड्स, अपने प्लांट को धूप, पानी और इस तरीके से फंजीसाइड, ये चीज़ें मेन होती है, ध्यान रखिएगा, तो आपका अपराजिता का प्लांट इस सर्दियों में भी अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा। वीडियो अगर आप लोगों को ज़रा से भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी है। और साथ में आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जब मैं ऐसे वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं फ्रेंड्स न्यू वीडियो, न्यू प्लांट, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।